घर की सफाई हो गई, दरवाजों की पॉलिश हो गई, ड्राई फ्रूट आ गए, नमकीन आ गई, मिठाई मिठाई ध्रुव आ गई। अंकल जी, शबरी की तरह खुद सारी मिठाई चक्कर लाए हो, वो भी चांदनी चौक से। शाबाश। और तार जरा ढंग से चेक कर लेना, मुझे इस नालायक का कोई भरोसा नहीं है। ओए, कोई चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बच्चे पे पूरा भरोसा हमेशा रहेगा। ओए, आज ये सारे काम कितने अच्छे तरीके से किए इसने, ओए दिल जीत लिया इसने मेरा। ओए पम्मी, ये कौन सा टेबल कवर बिछा रखा है, एम्ब्रॉयडरी वाला बिछाना था ना। और हाँ, लड़के वालों से कहना कि ये मेघा ने ही बनाया। अरे बेब, क्यों झूठ बुलवा रहे हो, मेघा की कढ़ाई एकदम मेरी पढ़ाई जैसी है, बिल्कुल जीरो। चुप कर तू, बीच में ना बोल, उठ जाके लाल टेबल कवर बिछा उधर। जी बेबे, हुने लाई। लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म कचौरी। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तू टाइम पे आ गया, लेकिन तू वहीं तरह के आया ना। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, जहाँ से आपने कहा था वहीं से लाया। ठीक है बेटा, मेरा मानना है बेटा कि खाना पीना पहनना बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बेटा एक बात बताइए, दक्ष अभी तक नहीं आया, तू फोन कर उसको, फोन कर। जी जी, अभी करता हूँ, अभी कर। हाँ भैया। हाँ भाई दक्ष, कहाँ हो? अरे लड़के वाले आते ही होंगे। भैया घर पर सब लोग हैं ना, फिर अगर मैं नहीं होऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी आज बॉस से मेरी पहली मीटिंग है, प्लीज समझने की कोशिश करो भैया। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। क्या कहा उसने? नहीं, दरअसल उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है बॉस के साथ, इसलिए नहीं आ पाएगा। अब तुझे क्या हो गया? माँ जी दक्ष के बारे में सोच रही थी, उसको तो बस काम और काम। कोई ऐवी स्यापा है, वो ध्रुव काम ना करे तो प्यो नो टेंशन है, और दक्ष काम करता तो माँ नो टेंशन है। दोनों सोचना बंद कर, जाके मेघा को तैयार करा के ले आ, जा। एक मिनट पापा। हेलो सुमन जी, एक मिनट। जी मेघा को जरा अच्छी साड़ी पहनाइएगा, और जेवर भी जरा ढंग के होने चाहिए, आप भी जरा। हाँ हाँ, समझ गई मैं। अरे बेटा, तू अब तक तैयार नहीं हुई, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। बस अभी कर देते आंटी जी, तुम लोग रहने दो, हम तैयार कर लेंगे। तुम दोनों जाकर पम्मी जी जी का रसोई में हाथ बटाओ। ठीक है आंटी जी, जी। आंटी। चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा। माँ, ये साड़ी पहनना जरूरी है क्या? सूट में क्यों नहीं जा सकते उनके सामने? अरे बेटा, वो मेघा को नहीं, अपनी होने वाली दुल्हन को देखने आ रहे, और दुल्हन तो साड़ी में ही अच्छी लगती है ना। क्या माँ, साड़ी पहन के तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा, और ऊपर से इतनी सारी ज्वेलरी, सर पे पल्लू, ऐसे उन लोगों के सामने गई ना, उन लोगों से पहले मैं ही खुद पे हंस पड़ूंगी। कितना बोलती है तू। हाँ चला बैठ, इधर आ बैठ मेरे पास, इधर। मेरी एक बात ध्यान से सुन, लड़के वालों के सामने ज्यादा बात मत करना, कितना बोलना है क्या बोलना है हम बताएं। आई आई आई, संभाल के। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी कैसी यजमान, मैं था ना साथ में, और वैसे भी आपके घर का पता मैं आजीवन नहीं भूल सकता। आई आई, मैं तो यही लग रहा था, पता नहीं अनी खैर पंडित जी थे कि कहीं देर वेर ना हो जाए। जी मेघा मेरी बेटी, मेरी पत्नी सुमन उसे तैयार करा रही है, वो आती होगी। ये मेरा बड़ा बेटा धैर्य, ये उसकी पत्नी रूपा, बहुत सुंदर है। मेरा बजला बेटा दक्ष, वो थोड़ा ऑफिस की किसी मीटिंग में व्यस्त है, आ रहा होगा वो भी। और ये मेरा सिर्फ ध्रुव, सबसे खोटा, I mean, सबसे छोटा। और ये जी मैं अवतार हूँ। वैसे तो मैं दीनानाथ का दोस्त हूँ, लेकिन मेघा जैसे इसकी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। अजी ये मेरी बेबे है, अजी वो मेरी धर्म पत्नी है। जी सत श्री अकाल जी। आप सब लोग यहीं पे एक साथ रहते हैं? जी वैसे देखा जाए तो मैं इसका किराएदार हूँ, और ये मकान मालिक, ये ग्राउंड फ्लोर पर रहता है और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर।
जी लेकिन प्यार जो है ना बिल्कुल भाइयों वाला है, बट यू समझ लीजिए कि बस हम एक ही परिवार हैं, वन बिग हैप्पी फैमिली। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा सच में। लेकिन आपका बेटा नहीं है? आया है ना जी, एक्चुअली वो गाड़ी पार्क कर रहा है। अच्छा जी, लीजिए आ गया रोहित। मुझे लगा था कि लड़का स्टुपिड होगा, ये तो बुढ़ा निकला। अब उतर, वहां क्यों खड़े हो? नमस्ते। आओ बेटा, बैठ। आओ रोहित बेटा, आओ बैठो। रोहित बेटा इनसे मिलो, ये है लड़की के पिताजी। नमस्ते अंकल। आप लोग बैठिए, मैं जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम देख के आता हूं। सुनिए कुछ काम है, जरा आइए ना। जी मैं बस अभी दो मिनट में, बस दो मिनट। मम्मी जी उसी भी जाओ, सुमन भाभी का हाथ बटाओ। मैं भी जरा यही सोच रही थी जी, मैं उन्हें आंधी हूँ। भाभी पुत्र वो कचौरियाँ और समोसे मंगाए हैं ना, वो चटनी के साथ पहले लेके आ। हाँ जी, समझ में नहीं आएगी मैं आगे बताती हूँ। हाँ जी हाँ जी। अबू जी समोसे कचौड़ियों के नाल तो ये शरबत वरबत तो ठीक नहीं है जी, चाय होनी चाहिए। मैं चाय चढ़वा क्या है? ध्रुव पुत्र तू तू बैठ है, बात कर, मैं आता हूं। एक एक करके सारे गायब हो गए, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अकेला फंसा कर चले गए। चाय पानी समोसे सब आते ही होंगे, मैं भी आता हूँ, आप जब तक आपस में बातें कीजिए। सुनिए जी, हम सब तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, हम तो आपसे मिलने आए थे। हाँ बेटा तुम तो बैठो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। वही बुंडा सा बुड्ढा है उस छापा, और मेघा को देखने आया कि मुझे देखने आया वो? ऐ भी कोई गल हुई, सारे के सारे बाल सफेद है और मुंह उठाए चला है शादी करने। इसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना तो दूर, उसको इसकी फोटो भी ना दिखाए हम, बड़ा आया बुड्ढा कहीं का। और ये पंडित का बच्चा, इसे अच्छा रिश्ता बता रहा है। और आप ना सबसे पहले जाकर उस पंडित से 5,000 रुपए वापस लीजिए। कैसे एक झटके में सारे पैसे ले गया? बिल्कुल सही, 5 पैसे का रिश्ता नहीं लाया और दक्षिणा ले गया 5,000 रुपए की, चोर कहीं का। ठीक है, मैं सबसे पहले इनसे जाकर की शादी के लिए मना कर जाता हूँ। मेघा तुम लोग यहाँ खड़े खड़े चुपचाप क्या सुन रहे हो? यहाँ आकर के हम बड़ों की बात सुन रहे हो? तुम इतनी भी तमीज नहीं है तुम लोगों में कि बच्चों पे क्यों गुस्सा कर रहा है? रोहित को देखकर तेरे तोते उड़े हुए हैं, इसकी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। उधर तो तुम लोग भी आओ जी, आओ। आप लोगों ने जो बोलना था बोल लिया, अब मैं बोलूं इस लड़के में क्या नुक्स है बताओ मेरे को? बालों को छोड़कर। बाल सफेद होना भी कोई छोटी बात है क्या? हाँ काके, सच में बाल सफेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओए मुंह में दांत नकली हो ना तो बात बहुत बड़ी है, लेकिन आज के जमाने में बाल सफेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वो जमाना गया जब बालों की सफेदी उम्र नापती थी। ओए आज के जमाने में कितना स्ट्रेस, कितना कंपटीशन है, जिसके चलते हर दूसरे आदमी के बाल पक जाते हैं। ओए आदमियों को छोड़ो, मैंने तो ऐसे कई बच्चे देखे जिनके बाल सफेद हो जाते हैं। और कंधे पे 20 किलो का बस्ता, दिमाग में मास्टरों का, घरवालों का डर, और ये जो स्ट्रेस है ना, ये गाल पिचका देता है और बाल सफेद कर देता है। ओए काके यार पंडित झूठ नहीं बोल रहा था यार, वो लड़का वाकई बहुत अच्छा है यार, उसके संस्कार जो है ना उसकी शक्ल पे नजर आते हैं। और तुम लोग बालों को लिए बैठे हो,
ओए अति बेवकूफी, तो उन्हें नीचे बिठाकर और हम सब यहाँ आकर कर चुके। पूरी बेवकूफी तब होगी जब लड़का ना हाथ से निकल जाएगा। तोड़ा कहने का मतलब है कि लड़का सच्चे जी 26 साल का है? ओ पम्मी जी, तुसी बिना ओ यार तुसी बालों पे ना जाना, वो शक्ल तो देखो मुंडे दी। फिर भी अगर आप लोगों को भरोसा ना हो तो कुंडली तो मिलवाएंगे ना भाई, पासपोर्ट देख लेना उसका, पासपोर्ट में तो झूठ नहीं होगा। वैसे मुंडा तो चक्का है। अरे माँ जी, अभी तो आप कह रही थी कि ओ चल रही जो मैं आप कह रही हूँ वो सुनना तो, ओ चुप कर, चलो नाश्ते वास्ते का तैयारी करो, चलो की कर, ओ चलना यार। हाँ जी, 2 साल पहले मैं मेघा और गिन्नी से 2 क्लास आगे था, अब सब साथ में है, इसे बोलते हैं सबको साथ में लेके चलना। माफ कीजिए, थोड़ी ज्यादा ही देर हो गई। अंकल जी, जब डिस्कशन मेरे बालों का था तो टाइम तो लगना ही था। कैसी बात करते हो पुत्र, तुमसे ही किससे कह दिया कि हम ध्रुव ने मुझे सब बता दिया, ये सब लोग अचानक अंदर क्यों चले गए, तो प्रॉब्लम है क्या? मेरे ख्याल से आपके बालों की प्रॉब्लम है। वैसे ये सॉल्ट एंड पेपर लुक करवाया है आपने या फिर ऐसे ही है? क्या है जी वो, इसकी तो मजाक करने की आदत है, थोड़ा जी आप बड़बोला है जी। और सच्चा भी। एक बात कहूं भाई साहब, जब भाई इतना सीधा और सच्चा है तो बहन कैसी होगी ये हम समझ सकते हैं, और परिवार के संस्कार बच्चों में ही तो दिखते हैं। देखिए सच कहूं तो बेटी के बाप हूं, एक बार टेंशन तो मुझे हो ही गया था, लेकिन मुझे बाद में अवतार ने समझाया कि इतनी भाग दौड़ में ये आजकल के बच्चे जरा जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं, इसीलिए समय से पहले उनके बाल जो है वो एग्जैक्टली ये जो बाल हैं स्ट्रेस की वजह से ही सफेद हुए हैं। मैं चाहता तो बाल कलर करवा के आ सकता था, मगर मैं ये सच आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता। पुत्र तेरी ईमानदारी ना मेरे दिल को छू गई, पर एक गल है, अगर सब कुछ पक्का हो गया ना तो ब्याह वाले दिन ना डाइशे करा के आ जाना। आप लोगों ने तो कुछ खाया नहीं, उठो पुत्र। लो जी, मेघा आ गई। ऐसा सोचा था उससे कई ज्यादा सुंदर है आपकी मेघा। क्यों रोहित, सिर्फ सुंदर ही नहीं सर्वगुण संपन्न भी है, जिस घर जाएगी स्वर्ग बना देगी। पढ़ाई लिखाई में तो हमेशा से अव्वल रही है। पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाई का भी बहुत शौक है जी, और खाना पकाने में तो अन्नपूर्णा है हमारी मेघा। अगर आप सबको एतराज ना हो तो दोनों बच्चे
आपस में बात कर सकते हैं? ना ना, इतराज कैसा? ध्रुव, गिनी, पुत्र मेघा और रोहित को ऊपर छज्जे पर ले जाओ। चलिए। भाई, मैंने दोनों की कुंडलियां मिलाई है, 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं दोनों के। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत भाग्यशाली है। इन दोनों की बातें क्यों नहीं सुनाई दे रही है? Stupid, वो कुछ बात करना शुरू करेंगे तभी तो सुनाई देगी। हाँ, लेकिन ये दोनों बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? जब लड़की का भाई लड़का लड़की के सामने खड़ा हो तो कोई कैसे बातें करेगा? चल अब अभी बरसाती में चल, छोड़ दे उनको अकेला। चल ना ध्रुव, चल। I'm Rohit. Megha. So, अपने बारे में कुछ बताइए ना, अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट के बारे में। और सुन बेटा, लड़का अगर तेरे से हॉबीज पूछे तो उसको म्यूजिक, फ्रेंड्स, शॉपिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब मत बोलना। माँ, बैडमिंटन और डांसिंग तो कह सकती हूँ ना? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं कहना। कहना कि तुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, तुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है, साहित्य की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और बच्चे खिलाना अच्छा लगता है। बच्चे? आपने कुछ बताया नहीं। जी वो, मुझे खाना बनाना पसंद है, शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है और साहित्य की किताबें पढ़ना पसंद है। साहित्य मींस हिस्ट्री, राइट? जी नहीं, एंशिएंट लिटरेचर। या लिटरेचर, वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपको घूमना फिरना भी पसंद होगा? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे पैर कभी घर में नहीं टिकते हैं, तेरे पैरों में चक्कर। ऐसी लड़कियों को लड़के पसंद तो करते हैं पर उनसे शादी नहीं करते, समझी? नहीं, अब बिल्कुल नहीं, मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है, मुझे घर पे रहना ही अच्छा लगता है। ओके, आपके फ्रेंड्स तो जरूर होंगे, I'm sure। और कोई जरूरत नहीं है अपने निकम्मे दोस्तों का नाम लेने की। कहना मेरा कोई दोस्त नहीं, कहीं उनके बारे में सुनकर लड़का तुझे भी उन जैसा ना समझ ले। जी नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, किन्हीं के अलावा कोई और दोस्त नहीं है मेरा। ओके, आप कुछ जानना चाहती है मेरे बारे में? अगर आपको कुछ जानना है तो आप पूछ सकती। वो जो पूछे सो पूछे, तुझे कुछ नहीं पूछना है, तुझे वहाँ मास्टराइन बनने की जरूरत नहीं है, समझी? जी, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। ओके देन, मुझे जो जानना था मैंने पूछ लिया, सो सी यू। ध्रुव। हाँ जी, चलें। मेघा, क्या हुआ, क्या बातें हुई, रोहित कैसा लगा? अच्छा, लीजिए, बच्चे भी आ गए। आप लोग बातें करिए, मैं शरबत लेके आती। अरे नहीं बहन जी, बस रहने दीजिए, अब तो मिठाई ही खाएंगे आपके हाथों से, रिश्ता पक्का हो जाने के बाद। चले पंडित जी। तो बहन जी, फिर आगे की बातें? बहन जी, रोहित से बात करके हम सलाह मशवरा करके पंडित जी को खबर दे देंगे।
क्यों पंडित जी? जी जी जैसे आपकी मर्जी। इजाजत दीजिए। अब देखते आप लोग थोड़ी देर और, बड़ा अच्छा लगा। कि जल्दी वापस मिलेंगे। मैं भी हाँ मैं जवाब लेके आता हूँ। आप वो 21,000 तैयार रखिए। यार अवतार, उन लोगों को हमारी मेघा पसंद तो आएगी ना? क्या पगलों जैसे सवाल कर रहा है भाई। उन्होंने तो मेघा को मिलने से पहले ही उसे पसंद कर लिया था। क्या कहा था रोहित की माता जी ने कि ध्रुव से मिलने के बाद ही उन्हें पता चल गया था कि हमारी बच्ची कितनी संस्कारी है। और मिलने के बाद तो और भी खुश हो गए होंगे। ज्यादा बात तो नहीं की थी भाई। कुछ भी हो, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। और अगर उन लोगों ने हाँ कर दी ना तो मैं 100 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। देगा 5,000 रुपए का कमाल। पंडित जी खुद खबर लेके आए। आइए 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 बैठ बेटा उधर बैठ। आइए आज अवतार। पंडित जी क्या कहा लड़के वालों ने? हमारी मेघा उन्हें पसंद आई ना? उन्होंने हाँ कर दी ना? यजमान उन्हें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। देखा क्या कहा था मैंने? मुझे तो पहले ही मालूम था। माता जी उन्हें आपकी बेटी पसंद तो आई लेकिन। लेकिन क्या पंडित जी? माता जी उन्हें मेघा पसंद तो आई है लेकिन इतनी पसंद नहीं आई कि वो उसे अपने घर की बहू बना ले। उन्होंने शादी करने से मना कर दिया।